सौन दा महीना खास तौर ते तिया नाल संबंधित महीना है। कहिंदे तिया जम्मियां ते तिया आरंभियां, जिथों सौन महीना शुरू हो जांदा है तिया नूं संधारे देण दित्ते जांदे ने। हर धी आपदे घर वीर नूं अड़ीकदी है कि कदों उहदा वीर मेरे लिए बिस्कुट लैके आवे ते नाल ही मैनूं तिया दे वापस पेके पिंड लै जावे। इस तरह ये त्यौहार तिया का खास त्यौहार है। अपने पिंड बाई प्रकाश सिंह जी, जो कि 1996 तो बिस्कुट तैयार करते हैं, उन्होंने बिस्कुट देशों विदेशों में जा चुके ने। इस तरह के बाई जी का भी बहुत खास, उन्होंने बहुत खास भूमिका कह सकते हैं, जो इस तरह बिस्कुट तैयार करते हैं तो बिस्कुट साड़ियां धियां तिहाणियां तक पहुँचते ने। तो नाल नाल खाते ने, तो सौन महीने के गुण भी गाते ने। यह रीत हमेशा इदा ही चलती रहनी चाहिए है। सानू हमेशा अपन जड़ां नाल जुड़े रहना चाहिए है। इस तरह धियां तिहाणियां का माण सन्मान करते रहना चाहिए है। तो ये खास सौन महीना इस माण सन्मान को दर्शाता है कि धियां नूं दित्तियां कदे भी कुछ घटदा नहीं। हमेशा यही आख्या जाता है कि धियां भुखियां नहीं हुंदियां, पर बस सहुरे घर च उन्हां दा माण सन्मान जरूर वध जांदा है जदों उन्हां दा वीर जां मां सहुरे घर विच संधारा देण जांदे आ। तां उन्हां दा सिर खुशी नाल उच्चा हो जांदा है ते सहुरे परिवार विच यही सोचिया जांदा है कि हाँ भाई इहदे भी पिछे आउण वाले हैगे आ। तां इस तरह ओह किसी चीज़ नूं लै के दुखी नहीं हुंदी। जिस घर वीर किसी गल करके संधारा दिन नहीं पहुँचता तो उत्थे धी नूं मीणा भी मिलता है सस वल्लों कि बहुते नहीं भरावां वाली तैनूं तियां ते लैण ना आए।